नमस्कार दोस्तों, गिलवान आई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया विषय लेकर आया हूँ। आज का हमारा विषय है हाउ टू रीड ए स्पेक्स प्रिस्क्रिप्शन, चश्मे के नंबर की प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए देखते हैं चश्मे की प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या डिटेल्स होती हैं और उसको कैसे समझा जाता है। तो ये दो कॉलम होते हैं इसमें, एक राइट आई के लिए होता है और एक लेफ्ट आई के लिए होता है। राइट आई को हम ओडी भी बोलते हैं। ये ओडी जो है एक लैटिन एब्रिवेशन है जिसका जो मीनिंग होता है ओकुलस डेक्स्टर, जो राइट आई के लिए लिखा जाता है। और जो ओएस है ये लैटिन एब्रिवेशन है, ये लेफ्ट आई के लिए लिखा जाता है। और ओएस को हम ओकुलस डिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें राइट आई में ये चार कॉलम होते हैं, ऐसे लेफ्ट आई में चार कॉलम होते हैं। पहले कॉलम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल के लिए होता है। दूसरा कॉलम सिलेंड्रिकल पावर के लिए होता है, और सिलेंड्रिकल पावर जो है उसकी एक्सिस होती है। तो तीसरा जो कॉलम होता है एक्सिस के लिए होता है, 0 to 180 हमारी कोई भी एक्सिस हो सकती है। और ये जो फोर्थ वाला कॉलम है विजुअल एक्यूटी के लिए होता है, हमारा विजन कितना है स्पेक्स के साथ ये। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में स्फेरिकल सिलेंड्रिकल एक्सिस और विजन के लिए कॉलम होता है ये। और ये ऊपर की लाइन होती है ये डिस्टेंस का नंबर नोट करने के लिए होता है, और जो नीचे की जो लाइन होती है रीडिंग या नियर विजन के लिए जो है नोट किया जाता है ये नंबर। तो आइए समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। ये इस पेशेंट की जो राइट आई का नंबर है -2 स्फेरिकल है, -1 सिलेंड्रिकल है, एक्सिस 90 डिग्री है। इसका ये मतलब है कि पेशेंट की आई मायोपिक है और एस्टिगमेटिक है, क्योंकि जहाँ सिलेंड्रिकल नंबर होता है उसको हम एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं। तो ये मायोपिक एस्टिगमेटिज्म है राइट आई। ऐसे लेफ्ट आई का जो नंबर है पेशेंट का +1.5 स्फेरिकल है, +0.575 सिलेंड्रिकल है, 45 एक्सिस है, और ये विजन है उसका 6x6 चश्मे के साथ 6x6। तो लेफ्ट आई पेशेंट की है हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिज्म। ये नीचे जो लिखा है इसका क्या मीनिंग होता है, ये दोस्तों रीडिंग का नंबर 40 साल की उम्र के बाद के लोगों के लिए होता है, और इसमें जो एडिशन का कॉलम होता है ये नज़दीक के लिए यूज होता है। इसमें जो एडिशन है ये +1.5 है राइट आई में, और लेफ्ट आई में एडिशन 1.5 है। अगर किसी पेशेंट की एज 40 साल से कम है तो उसको हम सिर्फ डिस्टेंस का नंबर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये ऊपर का जो कॉलम होता है, नीचे के कॉलम में कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट की एज जो है 40 प्लस है, और पेशेंट के राइट आई मायोपिक एस्टिगमेटिक है, लेफ्ट आई जो है वो हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिक है, और नियर विजन उसका जो है एडिशन 1.5 है। तो इसलिए वो 40 प्लस एज का पेशेंट है। ये नीचे जो लिखा होता है आईपीडी 64, इसका क्या मीनिंग होता है कि पेशेंट का जो आंखों के पिपिल का जो सेंटर है दोनों आंखों का, उसका जो डिफरेंस है वो 64 mm है। इससे हमें स्पेक्स बनाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि स्पेक्स का जो सेंटर होता है ग्लासेस का सेंटर हम 64 रखेंगे ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। और ये जो लिखा है यहाँ पे टाइप ऑफ लेंसेज, इसका ये मीनिंग होता है कि पेशेंट को प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कौन सा लेंस रिकमेंड किया जाता है। ये CR39 का मतलब होता है कि हार्ड कोट जो है ग्लासेस होते हैं, जिसको हम फाइबर ग्लासेस भी बोलते हैं, CR39 बोलते हैं उसको। और ARC का मतलब होता है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ग्लासेस, जिनको हम कंप्यूटर या मोबाइल के लिए यूज के लिए एडवाइज करते हैं। और जो ये फोटोक्रोमेटिक है, इसका जिनको धूप में प्रॉब्लम होती है, धूप से एलर्जी होती है, तो उनको फोटोक्रोमेटिक, इसका ये मतलब होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस एडवाइज किए जाते हैं। और सिंगल विजन का मतलब है कि सिर्फ डिस्टेंस का नंबर रिकमेंड किया गया है, नियर का कोई नंबर नहीं होता। बाइफोकल में दोनों नंबर रिकमेंड किए जाते हैं, तो इसमें ऊपर नीचे दो पावर बनाई जाती हैं। और प्रोग्रेसिव जिसको हम बोलते हैं, मल्टीफोकल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें दूर और नीचे और इंटरमीडिएट तीनों पावर इसमें बनती हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, उम्मीद है जानकारी पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।